दिनकु दिन तेजिबारे लागिछि खरस्रोता जल विवाद राजगणिकारे जल प्रकल्प को विरोध स्थानीय लोके आंदोलन करुछन्ति या सह विभिन्न राजनैतिक दल पक्ष धारणा और प्रतिवाद करा जाउछि। आज राज्य बीजेपी रो साधारण संपादक पृथ्वीराज हरिचंदन को नेतृत्व रे एक आठ जुनिया राज्य स्तरीय प्रतिनिधि मंडली राजगणिकार आंदोलन स्थल को गस्तरे बाहरिछन्ति। तबे बाबद्रे अधिक आलोचना पई आम सहित वर्तमान फोन लाइन रे जोडी हिचंती राज्य बीजेपी रो साधारण संपादक पृथ्वीराज हरिचंदन जोडी हिचंती। तबे श्रीजुक्त हरिचंदन आपन को आलोचना को स्वागत जणाई विकास करे जानबा पई चाहिबो जेहेतु स्थानीय लोके वर्तमान प्रकल्प को विरोध करूछंती किंतु सरकार काहे के निज जिद रे अटल जे लोकमान को सहित कोनोसी विकल्प व्यवस्था नै के आलोचना करबा परिवर्ते समान को ऊपर लाठी चार्ज करा जाउछि। पूरा घटना को केमति देखुछंती आपन? देखो सरकार पूरा अमानविकता देखा गोटे रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस रे एबोलिया कोनोसी कथा नाही जो थे कि स्थानीय लोकों संगे बिना आलोचन एबोली एक निष्पत्ति सरकार नहीं जीवे। स्थानीय अंचल रे जो दी किलोमीटर रेडियस रे जो लोक पाई हंतसंत होती मधुर पा ना पीवाकू पा प्रकल्प जोगे दवा पा जोगे दवा बदल सरकार जदि पानी से तो ने निश्चित भाव साधारण लोक विरोध करेंगे से बाबद सरकार प्रथम कर्तव्य था चर्चा आलोचना करी लोकों लोकाल लोकों प्रकृत गवर्नेंस मॉडल कौन ताकि देखा पर सरकार आस्था स्थापन कराते आग को जाते कि सरकार ताकू न करी जो भाव में दमनमूलक नीति ग्रहण करे कौन हिटलर शासन है हिटलर शासन भाई दमन करेंगे जहां चाहबू आम से करूँ यह तो सरकार कौन सरकार के चले सरकार के ना तेणुक ये जो आज जो निदर्शन देखा राज्य सरकार राज्य सरकार राज्यवासी अपेक्षार अधिक ये कंपनी मान को अनुकंपा देखा राज्य सरकार अहंकार अहंकार प्रतिफलन साधारण भाव में विभिन्न समय देखी बड़ बड़ कॉर्पोरेट हाउस को जी अनुकंपा देखा साधारण लोक से तुलन में काणिचाए भी अनुकंपा से भाया पा ना एटा गवर्नेंस रो मॉडल नुहे आपको भारतीय जनता पार्टी पूरा टिल द एंड आपको नहीं लड़े पार्बे लोकों सागर ठिया हम तेब जानवापी चाहिए श्रीजुक्त हरिचंदन वर्तमान स्थिति अणायत है आप देखिथे केमतिकार परिस्थिति वर्तमान से सृष्टि होक घर पुलिस प्रशासन पशुची राति अधिया से घर लोक उठाई नेका पथर माड़ कर जो लोक मैंने शांति श्रृंखला बजाय रखापी पुलिस पाखक जाती कि पुलिस जदि एभली कांड आसी घटाब ताल राज्यर शासन केमती चलुची एथर अनुमय कर आज सेठाकर एसपी दायित्वहीन भाव से कहते आम ठीक भाव में सब मैनेज करा मैनेजमेंट नुहे सेठी एसपी आउ कलेक्टर जो दुई जन अफिसर से बस कौन बसर प्रथम कर्तव्य था साधारण साधारण भाव ये समस्या को आलोचना मध्यम समाधान करने कथा लोकों दुख शुणा कथा से कथा को न करी जो से गोटे ड्रामा आरंभ कर से बाबद केवल भारतीय जनता पार्टी न पूरा ओडिशावासी एका सांगे से आंदोलनकारी मानते ठिया है निश्चित भाव में श्रीजुक्त हरिचंदन जेहेतु आप जड़े नेता जड़े जनप्रतिनिधि हिसाब से लोक आपन को ग्रहण करती खासकर लोकों सुविधा असुविधा आप जाती विरोधी दल रे अच्छा जेके राज्य में प्रमुख भूमिका ग्रहण कै खासकर आपं प्रश्न रतने आप जानते जो आंदोलन लोक मैंने दुई वर्ष रु विरोध कर घटना को लगातार भाव में चार पांच दिन में आंदोलन पहुंची से कहगला जे गोटे बैठक बस सर्वदल बैठक में आलोचना करों सहित आलोचना करे खासकर कौन विकल्प व्यवस्था हो पार कि देखू जे शासक दल विधायक सेठे उपस्थित नले खासकर ये घटना को केमती देखती गोटे जनप्रतिनिधि हिसाब से देखो ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक ये गोटे मिली भगत चली सरकारी व्यवस्था सरकार पूरा पूरी भाव में कौन भाव में लोक प्रतारित करे प्रतारित करे से बाबद अच्छा एवं सेठी स्थानीय लोकों दमनमूलक नीति देखी दमन दमन करजर लक्ष्य हासिल करेंगे से दिगरे अच्छा यहीटा हूँ पूरा गोटे आंटी गवर्नेंस स्टैंड एक कथा को नहीं कि जो कथा को नहीं कि सरकार आज आरंभ कर प्रक्रिया ये प्रक्रिया एक्चुअली जदि गणतांत्रिक व्यवस्था देखा प्रशासनिक व्यवस्था देखा कौन सी फर्दर भी यह घटना ये
ଇତିହାସର କୌଣସି କଳଙ୍କମୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବି ନଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରିଚନ୍ଦନ, ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେମିତି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପି, ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସି କେବଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ହିଁ କଥା କୁହନ୍ତି। କେବଳ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଯେ ଖାସ କରି ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, କଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିବ? ଆମ ଦଳର ବହୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏ ବାବଦରେ ଗିରଫ ବି ହେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ନାଁରେ ୱାରେଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ନାୟକ ଆମର ଯିଏ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଏପରିକି ୱାରେଣ୍ଟ ଅଛି। ଅନେକ ଗୁଡିଏ ନେତୃତ୍ୱ ଆମର ଗିରଫ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେ ଏ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯୋଉ ଲଢେଇ ସେ ଲଢେଇରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହବ।